एक फिजिक्स पढ़ना और एक फिजिक्स को कंपटीशन के लिए पढ़ना दोनों इज डिफरेंट। मैं यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव तैयारी करवाना चाहता हूँ। दोनों चीजों को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। एक रिसर्च हुई थी जहाँ पर ये बात हुआ था कि जो ये जो शॉर्ट्स YouTube के जो शॉर्ट्स है ना, या फिर किन्हीं के भी शॉर्ट्स है, ठीक है, आजकल शॉर्ट्स के लिए तो बहुत सारी वो है, इन सारी चीजों की वजह से ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ह्यूमंस पे ये इम्पैक्ट पड़ा है कि पेशेंस लेवल डाउन हो गया। यू कैन नॉट वेट एंड वॉच दी कंटेंट और लेक्चर्स ऑन अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आपको चाहिए सीधे बताओ किन किन के साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई भी मूवी देखनी स्टार्ट करी, मूवी हल्की सी बोरिंग हुई, टैं 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 टैं, आगे चलो भाई काम की चीज बताओ। हाँ, लड़ाई में कौन मुक्का मारा इसको, है कौन खत्म करेगा, है ना। तो ये जो आपका इम्पेशेंस डेवलप हो रहा है कि आप पेशेंटली किसी चीज को नहीं कर सकते, ये आपके वर्क कल्चर में भी जा रहा है धीरे धीरे, आपको पता ही नहीं है। पेशेंस लेवल आपको बहुत पेशेंटली पढ़ना पड़ेगा। कई चीजें ऐसी आएंगी कि जो आपको नहीं समझ आएगी उसको पेशेंटली देखना पड़ेगा। आप एक टाइप का जो नेचर, क्योंकि क्या है, आप लोग बहुत भोले, आप लोग बहुत ही ज्यादा भोले, आपको पता ही लग रहा है कि आपका नेचर कैसे चेंज हो रहा है आसपास के एनवायरनमेंट से। इसलिए कहते हैं ना, संगति बहुत मैटर करती है। तो आप जिस टाइप की संगति में रहते हो उस टाइप से आपको इनपुट्स मिलते हैं और आप उसके हिसाब से सोच के इवॉल्व करते हो। अगर आप नेगेटिव संगति में रहोगे तो आपको नेगेटिव इनपुट्स मिलेंगे और आपको लगेगा भाई हम इस पूरे ग्रुप के सरदार बने, गुंडा बने, आपका टारगेट भी वैसा बन जाएगा। फिर अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के बीच में रहोगे तो आप हमेशा कंस्ट्रक्टिव कुछ सोचना स्टार्ट करोगे। आपको लगता है कि आपका एटीट्यूड सिर्फ आपका खुद डेवलप्ड है, नहीं भैया, आपका एटीट्यूड आपके आस पड़ोस वाले आपको डेवलप करा और उनका सिलेक्शन आप कर सकते हैं कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, लर्निंग प्रोसेस में है आप एग्जाम प्रोसेस में नहीं है। तो जब भी हम लोग चीजों को बात करेंगे तो उसमें डाउट्स आने लाजमी होते हैं। जहां जेन्युइन डाउट्स होंगे मैं वो आपके रिपीट करता चला जाऊंगा कि हाँ सर बेटा ये था ये था ये था, हमने ये चीजें डिस्कस करी। जहां आपके बहुत ही गंदे डाउट होते हैं, रीजन बीइंग उससे आपको कुछ फ्रूटफुल नहीं मिलने वाला। एक फिजिक्स पढ़ना और एक फिजिक्स को कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ना दोनों इज डिफरेंट। मैं यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव तैयारी करवाना चाहता हूँ। दोनों चीजों को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, मैथ्स में भी और केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री के सर अगर बोलेंगे कि यहाँ बनाना बॉन्ड बनेगा, नहीं तो एप्पल बॉन्ड क्यों नहीं बोला, ये कोई डाउट नहीं है भाई। तुम्हें घमंड होगा कि यस इन्होंने बनाना बॉन्ड बोला तो हमने एप्पल बॉन्ड बोला, टीचर बता नहीं पाया, हाँ, हमने अच्छा डाउट पूछा। नहीं, अगर आप बनाना बॉन्ड और एप्पल बॉन्ड के बीच में लड़ रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप बनाना बॉन्ड और एप्पल बॉन्ड के बीच में लड़ रहे हैं तो आपकी जंग केमिस्ट्री से है, कॉम्पिटिशन से नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप बनाना बॉन्ड को समझ के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो वो आपका जंग कॉम्पिटिटिव हो गया। तो कईयों को ये डाउट आता है ना, सर इसको बनाना बॉन्ड ही क्यों बोला, अब टीचर भी क्या बोले भाई, कि भाई ये ऊपर और नीचे ना ऐसा दिखता है, ये ऐसे ऊपर भी होता है और ऐसे नीचे भी होता है, तो ये बनाना बॉन्ड है। जवाब भी वैसे मिल जाता फिर, और तुम्हें सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा भाई। देखो हर चीज का तर्क दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इसके कार्बन नाइट्रोजन जो भी होता था, टीचर कह देता यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे एप्पल जैसा होता है, ले अब तू क्या करेगा, किताब में लिखा है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, किताब में लिखा है तो पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई एप्पल हो यहाँ तोप हो तो तोप बॉन्ड भी होगा, मानना पड़ेगा। जैसी चीज पढ़ाई जा रही है उसके बारे में पहले सोचिए, क्योंकि आप लोगों की दुनिया शॉर्ट्स वाली दुनिया है, हम लोगों की दुनिया में ना ही YouTube था ना ही कुछ था, आपको हर चीज